उसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर FMR, OTP, आयरिश का ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पर OTP सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स को रीड करना है, एक्सेप्ट करना है और फिर यहाँ जेनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और फिर वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मंथली जमा करना चाहते हैं, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पर जमा करना चाहते हैं, 6 महीने पर जमा करना चाहते हैं या फिर 1 साल पर जमा करना चाहते हैं। तो जैसे भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो IFSC कोड है उसे वेरीफाई करना है, तो यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने जिस भी हिसाब से वहाँ पर ऑप्शंस चूज किए होंगे ऊपर, उस हिसाब से आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो होगा, आपको वो बता दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, जिसे आपको केयरफुली रीड कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है और फिर सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर बैंक का एक मैंडेट फॉर्म आएगा, जिसे आपको साइन करना होगा और उसके बाद अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो पहली बार तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो कार्ड है, जो पेंशन कार्ड है, वो आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई होंगी कि कब तक आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, कब से आपने स्टार्ट करा है, कितनी आपको पेंशन मिलेगी, कब से मिलेगी, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपके इस कार्ड पर मौजूद होंगी। इस कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके प्रिंट करा के आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ई श्रम पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ कभी भी अगर आप इस योजना से एग्जिट करना चाहते हैं, किसी कारणवश आपको ये योजना छोड़नी पड़ रही है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिया हुआ है। यहाँ आप एग्जिट केस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, वॉलेंट्री एग्जिट और इनवॉलेंट्री एग्जिट का। तो यहाँ वॉलेंट्री एग्जिट में क्या है कि अगर आप अपनी उम्र 60 साल पूरी होने से पहले ही इस स्कीम से एग्जिट करना चाहते हैं, इसे बंद करना चाहते हैं, जो आपके अकाउंट से कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो पैसे कट रहे हैं, उसे अगर आप रोकना चाहते हैं, तो यहाँ आप वॉलेंट्री एग्जिट की मदद से यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप करके इस योजना से एग्जिट कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर 60 साल उम्र पूरी होने से पहले ही जो पॉलिसी होल्डर है, जो सब्सक्राइबर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर इन वॉलेंट्री एग्जिट की मदद से आप यहाँ पर अपना जो क्लेम है वो फाइल कर सकते हैं। यानी कि जो सब्सक्राइबर का स्पाउस है, वो सब्सक्राइबर की डेथ के बाद अगर इस स्कीम को कंटिन्यू करना चाहता है, कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो इनवॉलेंट्री एग्जिट की मदद से यहाँ पर क्लेम फाइल कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है। और अगर वो एग्जिट भी करना चाहता है तब भी इनवॉलेंट्री एग्जिट की मदद से यहाँ पर एग्जिट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, इसमें आपको बार बार बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के बारे में जान पाएँ, इसके लिए अप्लाई कर पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।